कौन सा आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल साया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। डॉक्टर आपको मालूम है कि इंसान की फिक्र ये हुआ करती थी जब उसकी लड़की होती थी कि जब जवान हो जाएगी तो क्या होगा। डॉक्टर वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी है अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप वो है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, चाहो चाहो चूनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। दोपहरी पल भर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी, सनम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चलूंगी, पर छोड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं मुझे फिर समझ के बेचोगे, उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी, जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है काली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी, नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता।